फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme P1 Android मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर ये ग्रीन कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस तरह की ग्रीन कलर की लाइन अगर आपके फोन की स्क्रीन पर दिखाई देती है, तो इस ग्रीन कलर की लाइन को आप कैसे हटा सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, जब कभी हमारे फोन की स्क्रीन पर इस तरीके से ग्रीन लाइन दिखाई देती है, तो हमारा फोन जो है नॉर्मल तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस ग्रीन कलर की लाइन को हटाने का तरीका आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आपको अपने फोन को कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। देखिए, आपको दो बातों का ध्यान रखना है, जिसमें पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपको है ना फोन की स्क्रीन को आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए आपको किसी भी हाथ के ना दो उंगलियों का एक साथ यूज करना है ऐसे, ठीक है, तब जाके फोन की स्क्रीन आगे पीछे ऊपर नीचे होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आप अगर किसी भी ऑप्शन को, यानी किसी भी ऑप्शन को चालू या फिर बंद करना चाहते हैं, तो उस ऑप्शन को पहले एक सिंगल टैप करना है, फिर उसी ऑप्शन पर डबल टैप करना है, तब जाके वो ऑप्शन आपका चालू या फिर बंद होगा, जो भी आप उसे करना चाहते हैं, ठीक है। ये दो बातें ध्यान में रखनी है, इससे आप अपने पूरे फोन को कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस ग्रीन कलर की लाइन को हटाना कैसे। इसके लिए मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज ओपन करना है। सेटिंग का जो ऐप है ना, सेटिंग के ऐप पे एक सिंगल टैप करिए, अब इसके ऊपर डबल टैप करना है, ठीक है। तो आपका इस सेटिंग का पेज ओपन होगा। अब इस पेज को ऊपर की साइड करना है, यानी कि आपको इस पेज में नीचे की तरफ जाना है, तो दो उंगलियों की मदद से आपको जो है नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है एडिशनल सेटिंग, इसे आप सिंगल टैप करेंगे तो ये चारों ग्रीन लाइन बन जाएगी। अब इसके ऊपर डबल टैप करना है, तो आपका ये पेज आता है, इसमें आपको ये एक्सेसिबिलिटी पे सिंगल टैप करेंगे ना, तो एक्सेसिबिलिटी के चारों ग्रीन लाइन बनेगी। अब इसके ऊपर डबल टैप करना है। अब आपका ये पेज आता है, इसमें आपको टॉक बैक का ऑप्शन है, टॉक बैक पे सिंगल टैप करेंगे तो इसके चारों ग्रीन लाइन बनेगी। अब इसके ऊपर टॉक बैक पर डबल टैप करना है। आपका ये पेज आता है, इसमें देखिए टॉक बैक के सामने जो बटन है ये चालू है, इस बटन को ऑफ करना है, ठीक है। तो इस बटन पे एक सिंगल टैप करिए, अब इसके ऊपर डबल टैप करिए, तो आपका छोटा पेज आता है, इसमें आपको नीचे स्टॉप का ये बटन है, स्टॉप पे एक सिंगल टैप करेंगे, अब इसके ऊपर डबल टैप करना है स्टॉप पे, तो आपका जो बटन है ये ऑफ हो जाएगा और आपका फोन जो नॉर्मल हो जाएगा और आपकी फोन की स्क्रीन पे जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही थी वो भी हट जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए सेटिंग का जो मैं ये ऐप है इसे मैं दबाऊंगा तो एक सिंगल टैप में चालू हो जा रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस ग्रीन कलर की लाइन को हटा सकते हैं, ठीक है।